नमस्कार आदाब, मैं हूं देव, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक किया सेल्टॉस और इसके अंदर हम लगाने वाले क्रूज कंट्रोल। इसके अंदर MID स्विच दिए, क्रूज कंट्रोल नहीं दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम क्रूज कंट्रोल लगाएंगे और इसके लिए खोलेंगे हम इसका एयरबैग। और ये हमने इसका स्टीयरिंग पूरा खोल लिया, एयरबैग भी हमने इसे निकाल लिया। एयरबैग निकालने के बाद इसके चार स्क्रू होते हैं कंट्रोल के, वो हमें खोलने पड़ेंगे और स्टीयरिंग कंट्रोल हमारा बाहर हो जाएगा और MID स्विच भी हमारे बाहर आ जाएंगे और MID स्विच की जगह हम लगाएंगे क्रूज कंट्रोल, ठीक है भाई। और ये देखिए, ये रहा हमारा क्रूज कंट्रोल जो कि ओरिजिनल किया का है। देखिए किया मोटर GN पार्ट। और ये रहा भाई किया हमारा क्रूज कंट्रोल। ये होंडा की बेजिंग दिख जाएगी, किया की बेजिंग दिख जाएगी आपको, ओरिजिनल है, ठीक है भाई। तो उसको हम निकाल लेते हैं और उसको भी हम खोल लेते हैं पूरा, ठीक है। तो तीन स्क्रू रहते हैं, तीन स्क्रू खोलने के बाद हमारा वो निकल जाएगा, MID के स्विच निकल जाएंगे। इस तरीके से रहता है, ये ऐसा निकल जाता है, ठीक है ना। स्क्रू लगा देते हैं, तीनों खोल लो। और ये लगा हमारा क्रूज कंट्रोल, उसे हम इसके अंदर लगाएंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल भी है और MID स्विच भी है, ठीक है ना। देखिए देखिए, इसमें MID की स्विच नहीं है, MID की स्विच है और क्रूज कंट्रोल नहीं है। जो हम लगा रहे हैं उसमें MID की स्विच भी है और क्रूज कंट्रोल भी है, ठीक है भाई। तो हम सब पूरा करते हैं, इसके बाद मैं आपको इसकी पूरी वायरिंग दिखाऊंगा। तो भाई वीडियो बने रहिएगा और देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। पूरा तामझाम पूरा खोलना पड़ता है, देखिए मीटर भी खुलेगा इसका, ठीक है। पूरा मीटर मोटर खोलने के बाद उसके बाद इसकी वायरिंग होगी, मैं उसकी वायरिंग बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो भाई मीटर हमने इसका खोल लिया है, अब मैं इसको दिखाता हूँ उसका वायरिंग। और जूम करके देखिए आप, ग्रे और ब्राउन के बीच में जगह खाली, वहाँ पे एक वायर लगा के मीटर तक वायर ले जाएंगे, ठीक है ना। देखिए आप, वाइट ग्रे और फिर ब्राउन है ना, दोनों के बीच में ब्राउन और ग्रे के बीच में जगह खाली है, तो वहाँ पे हम एक वायर लगाएंगे ब्राउन और ग्रे के बीच में और वायर ले जाएंगे MID तक, ठीक है ना। यहाँ से ये वायर आ जाएगी और ये वायर, ये कपलर जो MID का है, यहाँ पे एक वायर लग जाएगा, ठीक है ना। ये देख बात में लगा के बड़ा कर लिया है, ये देखिए आप क्लॉक स्प्रिंग के नीचे वाला, ये देख सकते हैं। और ये वायर निकालूंगा मैं ऊपर MID के पास, तो वहाँ पर जाकर MID के कपलर में उसको मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो आज जब देखते हैं ना आप, ठीक है, वहाँ मीटर में मैं दिखाता हूँ, मैं मीटर के कपलर में कहाँ लगेगा वायर। ये निकल गया वायर हमारा, और ये वायर लगेगा हमारा, ये देखिए ये वायर मैंने लगा दिया है, ये वायर हमारा लगेगा ब्राउन के बगल में, ठीक है ना। ग्रे पे ऑरेंज पट्टा है, ये देखिए आप, उसके बगल में ब्राउन वायर है, ब्राउन वायर के बगल में हमें लगाना है ये ब्राउन वायर, ये रहा, और इसके बगल में हमें ये वायर लगाना है, ठीक है ना। पलटा के ब्लॉक सेट में लगाना, लॉक वो पलटाएंगे आप तो आपको दिख जाएगा ब्राउन वायर के बगल में ये लगाना है, ठीक है। तो उसको भी हम अटैच कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको चला के दिखाता हूँ MID लगाने के बाद। तो इसमें अच्छे से टेप लगा देंगे, पूरा टाई कर देंगे, तो उसके बाद दिखाता हूँ मीटर लगाने के बाद, ठीक है भाई। तो ये हमने पूरा टाइप कर दिया, पूरा टेप कर दिया, अभी मीटर लगा के आपको चेक करके दिखाता हूँ। उसमें आपको क्रूज लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है ना। क्रूज लिखा हुआ आ गया तो आपका क्रूज एक्टिवेट है, ट्रायल की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बार चेक करवाऊंगा, है ना, ट्रायल पे भी चेक करा दूंगा एक बार मैं आपको। अभी आप ये देखिए मीटर लगा देता हूँ मैं, क्या है पहले कसने के पहले पूरा एक बार चेक करना जरूरी है, ठीक है ना। अभी हमने मीटर कसा नहीं, सब लगा कर चेक कर रहे हैं हम। अगर क्रूज लिखा हुआ आ जाएगा तो श्योर हो जाएंगे हम, कंफर्म हो जाएंगे कि भाई हमारा चालू है, ठीक है। ये हमने लगा दिया क्रूज, कपड़े वपड़े सब लगा दिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको, अगर क्रूज लिखा हुआ आ गया तो हमारा एक्टिवेट क्रूज चार हो गया है, ठीक है ना। ये मैंने पूरा लगा दिया, ये मीटर मेरे हाथ में ही है, ये चाबी लगाई मैंने, वापस बंद कर लिया। ये देखिए ये आ गया हमारा क्रूज, दिख रहा हो आपको, देखिए ये क्रूज आ गया, ठीक है ना। ये चला गया, ये आ गया, ठीक है। 69 लिखा हुआ है ना, ये 69 लिखा हुआ, वैसे डार्क हो जाएगा जब आप ड्राइव करेंगे, तो जब उसको एक्टिवेट करेंगे क्रूज हमारा चालू हो गया, ठीक है ना। मैं पूरा कसने के बाद आपको दिखाता हूँ एक बार ट्रायल करके। ऊपर मीटर सब कस देते हैं, स्विच स्टेयरिंग सब कस देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं निकाल लेता हूँ ये, ठीक है। ये भाई ये रहा हमारा क्रूज हमने लगाया है, ठीक है। डैशबोर्ड हमने पूरा कस दिया, ये देखिए डैशबोर्ड भी कस दिया, मीटर भी कस दिया, स्टेयरिंग भी कस दिया, अब हम निकले ट्रायल
टेस्ट ड्राइव पे, तो अभी हम आपको दिखाते हैं चेक करवा के। गाड़ी 30 के ऊपर जाने के बाद ही एक्टिवेट होगा, ठीक है ना, क्रूज लिखा हुआ था है। अब जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूँगा 30 के बाद तो डार्क हो जाएगा, क्रूज लिखा हुआ है, और बगल में आपकी स्पीड लिखी हो जाएगी। जिस स्पीड पे अपनी गाड़ी चल रही है उसका प्लस करते जाएंगे आप तो स्पीड बढ़ती जाएगी। हालांकि हम सिटी में, तो ये डार्क हो गया, ये चला गया, ब्रेक मारेंगे डीएक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे आप सेट करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए एक्टिवेट हमारा पूरा है, मैंने इंडिकेटर का राइट ले रहा हूँ, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है ना भाई। तो ये हमारा फुल वर्किंग में है। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भाई सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना। अगर आपको आपकी गाड़ी में काम करना है तो बिल्कुल हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा। भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।